मेरा नाम अमराजिया रानी है, मैं तकरीबन 10-12 साल से ये काम कर रही हूँ। मैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हूँ। मीठे में तो मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा डिमांड जो है वो जलेबी की जाती है। अफ्तार में नमकीन चीज़ों के साथ साथ मीठा भी ज़रूरी होता है। अगर मीठे में जलेबी हो जाए तो जलेबी की बात ही कुछ और है। आज मैं आपको खस्ता और लजीज जलेबी बनाना घर में बताऊंगी, जिसकी रेसिपी बहुत आसान होगी। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा, 2 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून ईस्ट। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हम इसे बीट करेंगे। हम थोड़ा सा ऐड करेंगे फूड कलर, बिल्कुल चुटकी। तो फिर जो है ये केचप वाली बोतल में डालना है और उससे फिर जलेबी बनाएंगे। 2 कप चीनी और इसमें तकरीबन 4 कप पानी डालेंगे शीरा तैयार करने के लिए। हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और शीरा भी जो है वो तैयार होने के लिए रख दिया है। शीरा हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हमने देखना है कि जिस तरह इसकी उतार सी महसूस हो, ऐसे आप करेंगे ये चिपकेगा, तो इसका ये मतलब है कि शीरा अब हमारा तैयार हो चुका है। जी, ये हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम जलेबी बनाते हैं। तो निकाल के, निकालते ही हमने ये जो शीरा तैयार किया है इसमें डाल देना है। बीप करके 1-2 मिनट रखें, बस तैयार हो जाती है कि इनके अंदर शीरा जज़ब हो जाता है। मैंने आपको आसान तरकीब जलेबी की बता दी है। अब आप अपने घर में दस्तरखान पे मीठा, खस्ता और लजीज जलेबी तैयार कर सकते हैं कम वक्त में।